बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, सीधी बात में बात करते हैं आज संसद के विधेयक और संसदीय प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से आपकी जो परीक्षा दे रहे हैं, यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्टिंग करते हैं संसदीय विधेयक और प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखेंगे, आ गए संसदीय जो विधेयक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो साधारण विधेयक है, ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें दिया है, 109 में। और इसमें जो साधारण विधेयक है, किसमें इसको प्रस्ताव को रखा जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो ठीक है, इस टाइप का कि साधारण विधेयक को किस सदन में रखा सकता है, तो दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। अब जो संयुक्त है, जो साधारण विधेयक पर क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो प्यारे बच्चों हाँ कर देंगे, ठीक है। और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किसके पास है, किस अनुच्छेद में आता है, वो 108 में आता है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, जब दोनों सदनों के अंतर्गत विवाद हो, किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में विवाद है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, और राष्ट्रपति के पास पावर होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी इट मींस स्पीकर, उसके अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर क्या जो साधारण विधेयक है उस पर पुनर्विचार हो सकता है, इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर जाता है, तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही तभी वो कानून बनता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो पुनर्विचार हो सकता है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को दोनों सदनों के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर मैंने अध्यक्षता के बारे में बता दिया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक की, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अब इसमें पुनर्विचार कौन भेज सकता है, राष्ट्रपति, दोनों हाउस के पास, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कुछ यानी कि जो साधारण विधेयक को, दो प्रकार के साधारण विधेयक होते हैं, एक गैर सरकारी होता है और एक हमारा सरकारी विधेयक होता है। जो गैर सरकारी विधेयक को अध्यक्ष को 1 महीने पूर्व सूचना देनी होती है, अगर गैर सरकारी विधेयक को लाना है किसी भी हाउस में, तो 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। आगे संगे अगर गैर सरकारी को लाना तो 1 महीने पहले, और सरकारी विधेयक को लाना है तो 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी किसी भी हाउस में लाने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या है, इसमें जो साधारण विधेयक है ये सरकारी गजट में, फिर जो ठीक है हाउस, पहले इसको सरकारी गजट में भेजा जाएगा, और फिर परिवर समिति के पास जाएगा, और फिर इसकी प्रतिलिपियां, जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो सदस्य हैं उनको प्रतिलिपियां बांटी जाती हैं, और फिर उस पर बहस होती है और मतदान होता है, और मतदान के बाद दोनों हाउस से पास होता है। और ये दोनों हाउस से पास होने में साधारण विधेयक के लिए कितना, जितना भी लोग वहाँ में उपस्थित हैं, और 2/3 बहुमत से उसको पास किया जा सकता है, यानी कि साधारण विधेयक को। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में साधारण विधेयक से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये धन विधेयक पर बात करेंगे। धन विधेयक हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो आप जवाब देंगे 110 में। धन विधेयक को किस में लाया जाता है, तो धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, किसकी, राष्ट्रपति की, क्योंकि जो राष्ट्रपति है, हमारे तो भारत के जो संचित निधि है
उसका कॉन्सिडरेशन फंड ऑफ इंडिया, उसका उस वो संचित निधि किसके अंदर में आती है? राष्ट्रपति के अंदर आती है, यानी राजकोष किसके अंदर। अगर सरकार को कोई पैसा निकालना है या वितरण करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। अब देखिए यहाँ पर जो धन विधेयक का जो निर्धारण कौन करता है, इसका मतलब लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इस चीज का डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर। इसको आप ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसको धन विधेयक को किसमें लाया जाता है, तो यहाँ पर लोकसभा में भी लाया जाता है, ठीक है। अब इसमें राज्य तो किसमें, क्योंकि जो सरकार लाती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको धन की जरूरत होती है, निकालना है या कोष में जमा करना है, तो धन विधेयक को लाया जाता है। किसमें लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा केवल, ठीक है। राज्यसभा में लोकसभा से जब ये धन विधेयक पास होता है तो फिर किसके पास पहुँचता है? राज्यसभा में पहले लाया इसमें जाएगा, और इसके बाद यहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में पहुँचेगा। राज्यसभा यानी कि धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है सिर्फ, और 14 दिन के पास इसमें राज्यसभा को संशोधन करती है या नहीं करती है, या 14 दिन के बाद इसमें कोई सुझाव देती है तो नहीं, तो लोकसभा यहाँ से वो पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। इसमें तो वो मानना ना मानना किसके ऊपर है? लोकसभा के पास है। तो धन विधेयक में जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास है? लोकसभा यानी कि चुनी हुई सरकार के पास है, ठीक है, धन विधेयक पर। अब यहाँ पर चलिए, क्योंकि धन विधेयक पर क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। सरकार को कितना निकालना, कितना जमा करना, वो उसका, तो इस पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं, ना ही इसको धन विधेयक को, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, तो इसमें पुनर्विचार का कोई सवाल नहीं है, तो ना इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों कैंसिल कर दिया, यानी पुनर्विचार नहीं होता है क्योंकि वो राष्ट्रपति की अनुमति से आया। आगे चलेंगे, भारत में घोषित, ठीक है, यहाँ पे भारत की संचित निधि से या आकस्मिक निधि से सरकार को अगर कोई पैसे की डिमांड है तब यानी कि धन विधेयक को लाया जाता है। आगे यहाँ पर चलेंगे, जो कर को लगाना टैक्स कर लगाया जाए तब लाया जाता है, या समाप्त करना है, या इसमें जमा करना है, या निकालना है, या इसका विनियोग करना है, यानी विनिमय करना है। धन का तो कौन लाती है? सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि धन विधेयक को लाया जाता है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर वित्त विधेयक, ठीक है। तो ये जो वित्त विधेयक है हमारे भारतीय संविधान के किसमें है? आर्टिकल में ये प्रावधान दिया है। अब यहाँ पर वित्त विधेयक को किसमें लाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, यानी कि इस विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चाहे आप देखिए जो वित्त विधेयक पर भी, क्योंकि यहाँ पर वित्त का मामला है, तो वित्त के मामले में राष्ट्रपति से इस विधेयक को लाने से पूर्व क्या अनुमति लेनी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। अनुमति मिलने के बाद वित्त विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका निर्धारण कौन करता है कि ये धन विधेयक है वित्त, तो उसका निर्धारण कौन करता है? यहाँ पर लोकसभा स्पीकर, इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दोनों चीजों को अनुमति किसकी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने समझा दिया कि दोनों हाउस सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इनमें से दोनों में से। अब यहाँ पर जो संशोधन है, ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त बैठक इस पर बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक पर तो बुलाई जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बुलाई जा सकती है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, वित्त जो धन है, तो यहाँ पर चलते हैं, अध्यक्षता इसकी कौन करता है? जब संयुक्त बैठक बैठेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा ध्यान रखिए, लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे यह पुनर्विचार हो सकता है, तो इस पर पुनर्विचार हो सकता है, और इस पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, जो मैंने यहाँ ऊपर समझा दिया। आगे समझेंगे, देखिए इन दोनों में अंतर जांच के चलेंगे, और यहीं पर बच्चे गलत करते हैं,
तो गलती को ना दोहराएं और इस वीडियो के माध्यम से सही करने का कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा यानी संशोधन या खारिज प्रत्येक दान, ठीक है, तो यहाँ पर संशोधन भी कर सकती है और विधेयक को खारिज भी कर सकती है कौन, राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकती धन विधेयक को। अब यहाँ पर प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है। अब यहाँ पर समझिए कि जो प्रत्येक है धन विधेयक कैसा होता है, वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझिए, ऐसे कि ये वित्त विधेयक क्या है, एक बहुत बड़ा विधेयक है और इसके अंतर्गत आता है जो नीचे लिखा धन विधेयक। अब आगे बात करते हैं बच्चों, ने तो यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ढंग से तो प्यारे बच्चे मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाने का लॉजिक यही है, जिससे कि मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं आ जाएंगे। अब अगले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए यहाँ पर जो संविधान संशोधन विधेयक है, यहीं से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो संविधान जो संविधान संशोधन विधेयक है, हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, आप देखते हैं यहाँ पर जो संविधान संशोधन को किसकी पहले अनुमति देनी है, संविधान में कोई संशोधन करना है तो वहाँ के जो राष्ट्रपति से, क्योंकि देश का हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, जो संविधान संशोधन विधेयक को किस हाउस में, किस सदन में पेश किया जाता है, तो यहाँ पर लोकसभा में भी और राज्यसभा किसी भी हाउस में यानी कि पेश किया जा सकता है। अब देखिए जब हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पर संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती और नए राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे इसमें उपस्थित और जो मतदान है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में कितने लोग उपस्थित हैं, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा वो पास होना चाहिए और कुल सदस्य संख्या कितना होना चाहिए यानी 50% से अधिक, ठीक है, और 50% से अधिक होना चाहिए और इसमें 50% से अधिक राज्यों के जो विधानसभाओं से भी वो पारित होना चाहिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका ऐसे कहते हैं विशेष स्पेशल विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित है तभी वो संविधान में हमारे में कोई संशोधन किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करने की एक प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है जिससे यहाँ से होकर के गुजरता है। तो प्यारे बच्चों, जो संयुक्त बैठक है, कभी कभी पूछ लेता, मैं यहाँ अलग से बता दे रहा हूँ कि संयुक्त बैठक किस किस पर अभी तक बुलाई गई है। एक तो यहाँ पर जो दहेज प्रथा अधिनियम जो आता उस पर बुलाई गई थी, एक कोटा अधिनियम पर बुलाई थी, एक बैंकिंग सर्विस पर बुलाई गई थी विधेयक पर, और एक GST पर। तो 4 अभी तक हमारे देश में संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं। यहाँ पर समझेंगे कि जो संसद बजट संबंधित प्रक्रिया, ठीक है, आगे समझेंगे। अब यहाँ पर संसद बजट संबंधित प्रक्रिया, तो यहाँ पर तो संसद में बजट के संबंधित जो प्रक्रिया है, इससे जो बजट है, तो बजट का भाग ये पूछ लेता है कि जो बजट किस भाषा से है, तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा से, बुजुत सबसे लिया गया, बुजेत सबसे लिया गया। बुजेत का मतलब होता है प्यारे बच्चों चमड़े का थैला, यहाँ ध्यान रखें। आगे यहाँ पर जो संसद में कोई बजट लाना होता है तो किस अनुच्छेद के तहत लाना है, 112 के, और जिसे हम वार्षिक राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष यानी कि जो सरकार है उससे कहता है कि एक वर्ष का अपना पूरा लेखा जोखा यानी कि सदन में रखा जाता है उसे कहते हैं हम बजट, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में सरकार ने कितना खर्च किया है
और कितना उसमें जमा हुआ है, उसका पूरा लेखा जोखा, कितनी योजनाओं पर खर्च किया है और कितने आगे योजनाओं पर खर्च करेगी। एक वर्ष में जैसे घर का बजट होता है, वैसे यहाँ पर के देश का बजट है कि वहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि भाई हमारी इनकम इतनी है, ठीक है, जैसा घर का मंथली के आधार पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ष के आधार पर कि एक वर्ष में हम एक महीने में हमारी इतनी इनकम है, इतना खर्च हुआ, इतना इसमें गया, इतने आलू आए, इतने के टमाटर आए, इतने की मूली आई, इतने का शलजम आया, इतनी सब्जी आई, तेल तम्बाकू वगैरह, इतना में हमने ये सामान खरीदा फर्नीचर, या इतना मकान में या डेकोरेशन में या यात्रा में या बच्चों की पढ़ाई में लिखाई में, इसका मतलब आप समझ गए। तो वो महीने का जैसे घर का बजट बनाते हैं उसी तरह से ये हमारे देश का बजट है, ठीक है। अब आगे होगा आपकी समझ में देसी भाषा में। अब यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं और इसका समय होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च के का आंकलन, ठीक है, आकलन किया जाता है, यानी कि यानी वार्षिक वित्तीय विवरण इतने से इतने एक वर्ष हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियां और व्यय, ठीक है, यानी भारत सरकार ने कितनी अनुमति यानी कि प्राप्तियां किया और कितना खर्च किया है, उसका पूरा लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बजट कहते हैं सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर जो बजट का है तो बजट कौन से सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, तो संसद के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें दोनों सदनों में से किसी भी हाउस सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बजट का यहाँ पर बात करते हैं कि बजट का वर्गीकरण, तो बजट का जो वर्गीकरण हमने दो प्रकार से यहाँ पर, भारत की जो संचित निधि पर भारत व्यय, ठीक है, भारत व्यय उनका निर्धारण, यहाँ पर जो संवैधानिक पद वेतन भत्ते वगैरह इन पर, तो इसका मतलब है जो भारत की संचित निधि में से जो पैसे वगैरह जो भारत है उस पर संवैधानिक जो प्रमुख पद भी जितने जो सर्वेंट बैठे हुए राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक के, तो जो बड़े बड़े पद हैं वहाँ पर इनमें यानी कि का यहाँ से बजट को बताया जाता है और इस पर मतदान नहीं होता, ठीक है। भारत की संचित निधि से व्यय, ठीक है, यहाँ पर व्यय और यहाँ पर व्यय पर अगर करेंगे वहाँ से संचित निधि से व्यय तो उस पर वहाँ मतदान होगा, ठीक है। भारत संचित का निधि का मतलब है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राजकोष जहाँ से भारत व्यय किया जाता है यानी कि निकाला जाता है या पैसे को, ठीक है, या इन्वेस्ट किया जाता है बजट की प्रक्रिया के द्वारा, तो भारत व्यय यानी कि सरकार का जो संचित निधि पर कितना भार है वो सब बजट में दिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों बजट के माध्यम से। अब यहाँ पर आता है कटौती प्रस्ताव, ठीक है, क्या है कटौती प्रस्ताव, यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी कटौती प्रस्ताव एक जो है इसी का, ठीक है, पार्ट है यानी कि बजट का। यहाँ पर एक आती है नीतिगत कटौती, ठीक है, अगर नीतिगत कटौती यानी कि मांग से घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाए तो उसे कहते हैं एक नीतिगत कटौती। अब यहाँ पर आर्थिक या मितव्ययता मांग की राशि एक सीमा तक अगर कम की जाती है, डिमांड की राशि कट कर दी जाए तो उसको कहते हैं हम आर्थिक मितव्ययता। दूसरे तीसरे पर आता है यहाँ पर मांग की राशि, अगर मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है तो उसे कहते हैं मांग की राशि। आगे चलते हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में अनुदान मांगे पारित या तुरंत बाद विनियोग पारित किया जाता है, तो यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर जो विनियोग फिर तुरंत बाद किया जाता है यानी कि कटौती प्रस्ताव, ठीक है, उसकी समीक्षा की जाती है जो बजट है और बजट में कितनी कटौती की जाती है, तो ये 3 कटौतियाँ हैं जो समीक्षा में की जाती हैं, ठीक है, चूँकि बजट की उसके बाद समीक्षा होती है और समीक्षा में किसमें कटौती क्या करना है जो संसद में दोनों सदनों में चर्चा होती है यानी डिस्कशन होता है। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं कि यानी कि संसदीय प्रस्ताव के बारे में
तो यहाँ पे संसदीय जो प्रस्ताव है प्यारे बच्चों, वहां पर मैंने एक बता दिया, आगे समझे। एक होता है विश्वास प्रस्ताव। यहाँ पे जो ये विश्वास प्रस्ताव है अनुच्छेद यानी कि 75 के तहत लाया जाता है, और जो विश्वास प्रस्ताव किसमें लाया जाता है, लोकसभा में लाता है। और विश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा जाता है सरकार से। जब राष्ट्रपति को ऐसा संदेह है कि जो सरकार जो बैठी है सत्ता में और उसके पास विश्वास नहीं है, ठीक है, विश्वास मत नहीं है, या विपक्ष को लगता है और वो राष्ट्रपति से अनुवेदन कर रहा है कि जो सरकार जो चला रहे हैं इनके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, यानी कि 50% से ज़्यादा सदस्य का अगर समर्थन है तभी कोई सरकार चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं, यानी जब राष्ट्रपति को संदेह हो तो राष्ट्रपति विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरकार से कहेगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों के द्वारा विश्वास मत हासिल करना है। कि हमारे पास आप देख रहे हो कि जब कभी चुनाव होता है तो वहाँ पर पहले सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, तभी वो सरकार वहाँ पर बैठती है, तभी उसको मान्यता दी जाती है। आगे यहाँ पर जो मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रधान हैं, तो यहाँ पर जो केंद्र में ये चीज है, ठीक है, केंद्र के द्वारा, और राज्य में भी जो विधानसभा है तो विधानसभा में भी ये विश्वास मत लाया जाता है राज्यों में, ठीक है। क्योंकि दो टाइप के यहाँ पर, एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार में जो संसद में जो है लोकसभा में लाया जाता है, और यहाँ पर जो राज्य में जो सरकार होती है तो वहाँ पर विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 1917 में चरण सिंह जो है ने जब इनके खिलाफ लाया गया था विश्वास मत प्रस्ताव को राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पर उन्होंने उससे विश्वास मत लाने से पहले, पूर्व का मतलब है यहाँ पर, उन्होंने पहले ही विश्वास मत लाने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था जो चरण सिंह थे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर चरण सिंह की जो सरकार है वो पहले ही गिर गई थी। 1930 में बीपी सिंह की सरकार यहाँ पर, ठीक है, गिर गई थी, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। आगे जो 1997 में HD देवगौड़ा के ने त्याग पत्र दे दिया था, जब इनके खिलाफ राष्ट्रपति ने यानी कि जो मंत्रिपरिषद ने यानी विश्वास मत लाने के हासिल करने के लिए कहा, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अविश्वास है, ठीक है, दो बार यहाँ पर लिख गया है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, ये नियम 198 के तहत यहाँ पर लाया जाता है, और ये कौन लाता है, विपक्षी पार्टी यहाँ पर लाती है, ध्यान रखेंगे, विपक्ष के द्वारा, विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो सत्ता में जो पार्टी है तो उनके खिलाफ, ठीक है, उनके क्या, अगर सरकार विपक्ष को ऐसा लगता है जो सरकार चला रहे उनके पास यानी कि विश्वास नहीं है, यानी कि हम लगता है कि जो सदस्य हैं सरकार चलाने के लिए वो कम हैं, तब क्या लाया जाता है, उन्हें ऐसा हो जाता है अविश्वास है, कि हमें अविश्वास है कि जो सरकार चला रहे उनके पास मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा ये, ठीक है, जब ये तो विपक्ष के द्वारा ये ला जाता है और राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुमति से ला जाता है। अब इसको लाया जो अविश्वास प्रस्ताव को किस में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे जो राज्यसभा है या विधानसभा है ये कैसे है, हमारे विधान परिषद के कभी भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, ये परमानेंट है। तो यहाँ पर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या है, गिर जाती है, क्या है, वहाँ पर गिर जाते हैं। तो सिर्फ किस में लाया जाता है, इसे लोकसभा में लाया जाता है, प्यारे बच्चों बार बार बता रहे हैं, लोकसभा में या विधानसभा, लोकसभा का मतलब केंद्र में या राज्य की विधान परिषद, विधानसभा में यानी कि राज्य में। अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है मंत्रिपरिषद से, तो मंत्रिपरिषद को वहाँ पर त्याग पत्र देना होता है।
आगे चलते हैं। यहाँ पे जो विधानसभा जो यहाँ पे जो राज्य की जो विधानसभा थी, ठीक है, विधानसभा में आपने सुना होगा काफी चर्चा में ये रहा था कि उत्तराखंड की जो विधानसभा में ठीक है हरीश रावत की सरकार गिर गई थी, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब राष्ट्रपति जो शासन है वो ना तो उस समय गवर्नर ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी कि इस राज्य में संवैधानिक विफलता हो गई है या भ्रष्टाचार या करप्शन ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर का गवर्नर पहले लिखित में इंफॉर्मेशन देता है राष्ट्रपति के को, तो राष्ट्रपति फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पर समझिए कि अगर सरकार है, केंद्र में सरकार है और किसी राज्य में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, मनमानी तरीके से। यानी कि अगर उसने गाइडलाइन का केंद्र सरकार ने गाइडलाइन का प्रयोग नहीं करके और सीधे सीधे किसी विपक्षी पार्टी पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में प्यारे बच्चों चैलेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत ने किया था, फिर उन्होंने दोबारा से विश्वास मत हासिल किया और वहाँ पर फिर दोबारा सरकार बनी थी। आगे चलेंगे, उदाहरण यहाँ पर चले, क्योंकि जो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे इनकी भी जो सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण यहाँ पर गिर गई थी, 13 दिन में गिर गई थी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है और लोकसभा में जो अविश्वास जो प्रस्ताव पहले कौन लाए थे, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम 1963 में जेबी कृपलानी लाई थी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी थी, ठीक है। यहाँ पर आगे चलेंगे, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में क्योंकि लोकसभा में लाया जाता है तो वहाँ पर लोकसभा में अगर इसको अविश्वास विपक्ष के द्वारा लाया जाता है पार्टी के द्वारा तो कम से कम कितने 50 सदस्यों के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए यानी अनुमति प्राप्त होना जरूरी है, तभी हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। विपक्ष के समझेंगे कितने सदस्य, 50 सदस्यों के सिग्नेचर ला होने चाहिए किस पर, अविश्वास प्रस्ताव पर, फिर उसको लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है, केंद्र में और राज्य में जो है विधानसभा में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने से सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सरकार बची रहती है। आगे चलते हैं यहाँ पर निंदा प्रस्ताव, तो प्यारे बच्चों ये जो निंदा प्रस्ताव है अब आप समझिए लॉजिकल तौर से कि यहाँ पर निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, तो निंदा किसकी की जाती है, जो सरकार की निंदा की जाती है, ठीक है, और कौन कोई भी सदस्य सरकार की निंदा कर सकता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का कोई भी सदस्य है जो लोकसभा में है या राज्यसभा में, तो वो निंदा कर सकता है, क्योंकि इसको लाया जाता है सिर्फ किसमें, लोकसभा या विधानसभा में, केंद्र में इसमें लाया जाएगा, राज्य में इसमें लाया जाएगा, ठीक है, विधानसभा में। अगर यहाँ पर किसी मंत्री के खिलाफ यानी कि निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को वहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि असफल मान लिया गया कि ये सरकार चलाने में सफल नहीं है, इसलिए उनको वहां पर त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी मैंने लिख दिया, कोई भी सदस्य ला सकता है कौन से निंदा प्रस्ताव को। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी मंत्री या मंत्रियों का समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, या तो किसी मंत्री के साथ व्यवहार पर लाया जाता है कि वो मंत्री ने गलत काम किया है या
या मंत्री समूह के खिलाफ लाया जाता है, तो पूरी मंत्री, अगर एक मंत्री के खिलाफ पे आरोप यहाँ पर लग जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को, यानी कि निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा पर दबाव पड़ता है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, इसलिए निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। आगे समझेंगे नेक्स्ट। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझेंगे अगले पे यहाँ पर, ठीक है, 3-4। हाँ, तो यहाँ पर आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव, यहाँ पर जो विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है तो किसमें लाया जाए, विशेषाधिकार का मतलब लोकसभा में राज्यसभा में कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो विशेषाधिकार की प्रक्रिया किससे ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य विशेष अधिकारों के लोकसभा या किसी भी सदन के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसमें दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है और किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, दोनों हाउस में से लाया जा सकता है। ये मंत्री के व्यवहार के विरुद्ध उसकी निंदा करने के उद्देश्य से लाया जाता है किसी, ठीक है, मंत्री यहाँ पर किसी मंत्री द्वारा संसद के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है तब उसके खिलाफ क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि अगर किसी मंत्री का, ठीक है, ध्यान, यानी कि ध्यान आकर्षण करने के लिए, किसी को ध्यान दिलाने के लिए, ठीक है, क्या लाया जाता है, किसी मंत्री का ध्यान को आकर्षण करने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो किसमें लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। कब लाया जाता है, कि कोई सार्वजनिक हित की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण मंत्री से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाते हैं या कोई मंत्री किसी उस पर सार्वजनिक महत्व का कोई इशू है उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो उसको किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। अब यहाँ पर स्पीकर या सभापति, ठीक है, समझ गए, यहाँ पर दोनों स्पीकर किसमें, लोकसभा में, और सभापति किसमें बैठते हैं, यानी कि राज्यसभा में, जो उसका अध्यक्ष होता है, की अनुमति लेनी होती है, ठीक है। अगर इसमें लाना है तो सभापति की, और लोकसभा में लाना है तो स्पीकर की अनुमति लेनी होती है। किसी सदस्य द्वारा, ठीक है, किसी सदस्य के द्वारा इसे लाया जा सकता है। आगे अविलंब या लोक महत्व, यानी कि जिसको हम विलंब नहीं कर सकते जिसका, ठीक है, और किसी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है और जिसका मैं विलंब करना, ठीक है, जरूरी नहीं है तो तब किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए धन्यवाद प्रस्ताव है, तो यहाँ पे धन्यवाद किसका किया जाता है, सरकार का, ठीक है, इसे कहते हैं हम धन्यवाद प्रस्ताव। तो जो केंद्र सरकार है तो उसमें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं जो सरकार चला रहे हैं उनका धन्यवाद किया जाता है, ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है एक तो पहले, ठीक है, जब जैसे कोई नई सरकार चुन के आती है आम चुनाव के बाद तो उसमें जो पहला भाषण किसका होता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, और संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अपना संबोधन देता है, देश के नाम संबोधित करता है कि दोनों सदन आपसी सामंजस्य बना करके देश के हित में काम करें, ऐसा भाषण। और ये जो है 6 महीने में, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है कम से कम यहाँ, ठीक है, 2 बार देता है। तो यहाँ पर समझेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव में, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, अनुच्छेद द्वितीय में मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है भावी योजना। तो इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो राष्ट्रपति जो सरकार की जितनी भी
पॉलिसी है, तो यहाँ पर दो बार दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उस पर चर्चा होती है और सरकार की जो नीति है कार्यक्रम का संक्षिप्त उसमें विवरण होता है और उसको राष्ट्रपति जो है वहाँ पर पढ़ करके सुनाया जाता है। तो राष्ट्रपति जब उस पर भाषण देता है तो जो उसमें बैठे हुए जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का या सरकार का धन्यवाद देते हैं, जिसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, यानी राष्ट्रपति को भी धन्यवाद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारी नीतियों और इनके मैंने प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ में लाया जाता है, लोकसभा आम चुनाव के बाद प्रथम संयुक्त उद्बोधन राष्ट्रपति के द्वारा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें सदस्यों राष्ट्रपति भाषण देता है और सदस्य कह के उसका राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, उसमें कहते हैं आगे यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव जैसे कहते हैं एडजर्न मोशन। ठीक है, एडजर्न मोशन, ठीक है, यहाँ पर थैंक यू मोशन है, ठीक है, और यहाँ पर प्रिविलेज मोशन है, इंग्लिश में प्रिविलेज मोशन, यहाँ पर ठीक है विशेषाधिकार का मतलब प्रिविलेज। यहाँ पर जो स्थगन जो प्रस्ताव है एडजर्न मोशन लोकसभा या राज्यसभा में किसी में लाया जा सकता, यानी स्थगन का मतलब क्या है कि सभा को स्थगित करना यानी स्थगन कर देना, कुछ घंटे के लिए कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोक दिया जाता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं, कभी कल मणिपुर का मुद्दा चर्चा में था तो वहाँ हो हंगामा हुआ और दूसरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई, यानी कि घंटे दो घंटे या एक आध दिन के लिए जो स्थगित की जाती है वो उसे कहते हैं हम स्थगन प्रस्ताव। और ये स्थगन जो प्रस्ताव है कौन करता है, तो जो उसका अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कार्रवाई को स्थगित कर देता है घंटे दो घंटे के, तो वो पीठासीन अधिकारी लोकसभा या अध्यक्षसभा का उसके पास अधिकार है कि वो स्थगित कर सकता है लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है, या काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं, या कम अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है, घंटे दो घंटे के लिए काम रोक दिया जाता है उसे स्थगन कहते हैं। अगर लंबे समय के लिए अगर काम को रोका जाता है लोकसभा या राज्यसभा में या उसकी कार्रवाई को स्थगित किया जाता है तो उसको कहते हैं अनिश्चितकालीन रोक, यानी कि कौन करता है पीठासीन अधिकारी के पास पावर है, ठीक है, अनिश्चितकालीन रोक लाइन जिसे साइन डाइन स्थगन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर या हम उसको सत्रावसान भी कह देते हैं, सत्रावसान करने की पावर राष्ट्रपति के पास है, सत्र को टालने की पावर राष्ट्रपति के, और स्थगन प्रस्ताव किसके पास पावर है पीठासीन अधिकारी के। तो यहाँ पर ध्यान रखें कौन सी पावर किसके पास है जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। आगे यहाँ पर कम से कम स्थगन प्रस्ताव को कितने लोग ला सकते हैं, तो 50 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ये लाया जाता है, ठीक है, आगे कर सकता है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी के धन्यवाद स्थगन जो प्रस्ताव है जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है प्यारे बच्चों, यहीं से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देखिए इस चीज़ पर मत जाइए कि आपको मैटर अच्छा चाहिए और हम यहाँ पर मैटर दे रहे हैं, अगर आप इसको सिर्फ दृष्टि भी डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो आप ज़्यादा आकर्षण पर ना जा करके, क्योंकि आपका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना, तो इस तो हर हम जो डाल रहे हैं जो जितने भी जो वीडियो आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं आपकी सफलता के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि थोड़ी लंबी वीडियो होगी है तो उसको नहीं, तो लेकिन आप ये भी देखिए कि उसमें हम नॉलेज कितना दे रहे हैं, जानकारी आप कितना हासिल कर रहे हैं। अगर आप 15 यानी कि आधा घंटे या एक घंटे देख रहे हैं तो, और अगर कोचिंग में उतना आप जाओगे तो उतनी जानकारी उतने समय में नहीं मिल पाएंगी जितना कि आप घर बैठे हुए और हमसे आप इतनी जानकारी हासिल कर लोगे वीडियो के माध्यम से, और आपको यहाँ पर समझाया भी जाता है तो सारे पहलुओं पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो अपने साथियों को भी जोड़ें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।